समाज विच कुछ शख्सियतां ही अजिहियां हुंदियां हन जिहड़ियां इस संसार विचों चले जाण तों बाद वी लोकां दे दिलां विच रहिंदियां हन। अजिही ही बहुपक्षी शख्सियत सन श्रीमती अनु जैन जी। आप बहुत ही धार्मिक ख्यालां वाली औरत सन अते सदा ही उन्हां दा ध्यान परमात्मा विच लगा रहिंदा सी। श्रीमती अनु जैन हुणां दी याद विच इक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों कुंदन लाल जैन समात नजदीक दाणा मंडी मंडी अहमदगढ़ विखे करवाया गया। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां ने शिरकत कीती अते श्रीमती अनु जैन जी दे कीते कम्मां नूं याद करदे होए उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल पेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। बिछड़ी आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और शासन देव
प्रभु महावीर से प्रार्थना करते हैं कि पिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास दे और उन्हें शांति दे। ऐसा जैन सभा मंडी अहमदगढ़, श्री महावीर योग मंडल उत्तरी भारत पंजाब और अहमदगढ़, सेवा भारती अहमदगढ़, श्री आत्मानंद जैन सभा पोस्ट बॉक्स 15 फरीदकोट रोड कोटपुरा, श्री लक्ष्मी नारायण सेवा दल अहमदगढ़, चौड़ा बाजार वेलफेयर स्टेशन अहमदगढ़, श्री सालासर बालाजी सेवा मंडल अहमदगढ़। ये सब शुभ प्रस्ताव आए हैं। अब मैं श्री प्रवीण जैन, जो उत्तरी भारत के प्रधान भी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि जितने भी दोस्त मित्र सगे संबंधी आए हैं उनका धन्यवाद करें। बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारे बड़े भाई शिव कुमार, उनकी धर्मपत्नी अनु जैन का अचानक निधन हो गया। छोटी सी आयु, कल जब सुबह ये समाचार मिला तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात कैसे हो गई। छोटी सी बीमारी के बाद निधन होना, ये परमात्मा ने हमें बहुत दुख दिया है और ये परिवार हकीमों का परिवार हेमंतगढ़ में क्या इलाके में इनका अपना नाम है। लोगों की बहुत ही ये सेवा करते हैं और जैन सभा में भी शिव कुमार जी और उनकी माता जी बहुत बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्य में सहयोग देते हैं। आज उस शोक सभा में हमारे बिंदु पांडे जी एमसी, किट्टू एमसी, रायल पत्रकार जी, प्रदेश पत्रकार जी और बिंदु जी के बेटे जो भी एमसी बने हैं वो भी इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, महावीर जैन योग मंडल उत्तरी भारत पंजाब की समस्त कार्यकारिणी की तरफ से और महावीर जैन योग मंडल अहमदगढ़ के प्रधान मनीष जी और मंत्री मनीष जैन विष्णु जी की तरफ से परिवार को संवेदना प्रकट करते हुए भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इनको दुख सहने की शक्ति दे। मेरी लाडली भाभी अनु जी हमारे बीच नहीं रही। माना कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जो जीव आता है उसने एक दिन जाना भी है, लेकिन असमय में चले जाना कितना दुखदायी होता है। इन छोटे छोटे बच्चों को निहारती हूँ, शुभम, आशु व प्यारी बिटिया शीनू जी को, तो लगता है कि अब ये बच्चे किसको मारते हैं। यही समय होता है जब एक माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अभी कोई भी बच्चा अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ। अभी मेरे बिट्टू भाई कह रहे थे कि अगर एक की भी शादी कर जाती तो परिवार संभल जाता। देखिए मेरे भैया, ये अनहोनी ऐसे ही होनी थी, कौन सहारा देगा मेरे भाई को। मैं देख रही हूँ कि भाई मेरा तीन बच्चों को कैसे संभालेगा। अब तो मैं अपने मासी जी से, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, आप अपने आंचल को इतना बड़ा कर लो कि चारों बच्चे आपके आंचल की छाया में बड़े फले, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप इनको संभालो। अभी इन्होंने बड़े होना है, इनको समझाना है क्या इनका करियर है, कभी इनकी शादियां करनी है, सब कुछ करना है। अभी प्रभु तूने गलत समय में इस परिवार को रोते बिलखते छोड़ा, ये समय नहीं था जाने का। सारा परिवार बिलख रहा है लेकिन
अभी चारों बहने रेनू, सीमा, सुमन, सिमी सभी बता रही थी कि हमें तो कभी भाभी की तरह ही माँ की तरह प्यार मिलता था। जब भी आते थे तो मेरे मम्मी को ये चिंता नहीं होती थी कि हमें क्या देना है, क्या लेना है, सब मेरी भाभी को ही चिंता होती थी। तो वो भाभी जिसने नंदों को ऐसे गले लगाया, तो बहने क्यों ना रोएंगी, क्यों ना उस भाभी को याद करेंगी। बस शासन देव से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह देना और परिवार को यह सम्मान सहन करने की क्षमता देना। बाबा भैरा जय स्थान अहमदगढ़, श्री कुंदनलाल जी महाराज की समाधि अहमदगढ़, गौशाला अहमदगढ़, गुरुद्वारा सिंह सभा अहमदगढ़, हनुमान मंदिर अहमदगढ़, साईं मंदिर अहमदगढ़, शनि मंदिर अहमदगढ़, माता टक्केश्वरी देवी सरहंद, दादा गुरु समाज समाणा, गुरुकुल मंदिर लुधियाना, माता बगला मुखी लुधियाना हिमाचल प्रदेश, माता बगला मुखी हिमाचल प्रदेश, नकोड़ा जी जोधपुर, पद्मावती मंदिर लुधियाना, भूरी वाला तलवंडी, जीवदया सादरा, सेवा भारती अहमदगढ़, सुंदर नगर मंदिर लुधियाना, कोटपुरा जैन मंदिर। आज शब्द इस्तेमाल किया गया ये जो सभा है कि ये शोक सभा है, ये शोक सभा नहीं है, ये श्रद्धांजलि सभा है कि जो जाकर गया है उसके गुणों का गुणगान करना। हम सभी गृहस्थी हैं, जन्म लेते हैं, जीवन भर व्यक्तिगत काम, पारिवारिक काम, धार्मिक काम, सामाजिक काम, लोक हित में काम, ये हम जीवन भर करते हैं। और जो श्रेष्ठ काम करते हैं ये सारा समाज के समय बैठा हुआ उनको याद कर रहा है। जिस परिवार से ये जातक रही, हमारे परिवार के सदस्य रही, ये जाना इसका उस परिवार के लिए तो दुख का कारण है ही। और उस परिवार जो पति है, पुत्र है, बेटी है, जो खाली हो गए उसके जाने से उनके मन में तो दुख होना ही होना है। और हम सभी उस दुख में उनको अनुभूति कराते हुए कि ये सारा समाज तेरे साथ में है भगवान, भगवान ये तेरे सारा समाज साथ में है। अनु जैन रिश्ते में मेरी बहन लगती है, मुझे उसका शुरू से बचपन याद आ रहा है कि कब उसने छोटे होते हुए उसने दिन गुजारे, कैसे उसने सभी अपनी सहेलियों के साथ टाइम गुजारा, कब हमने उसकी शादी की, ये समय मुझे याद कर करके रोना आ रहा है। हमारा जैन समाज को जब ही पता लगा परसों, सभी समाज आज यहाँ उपस्थित हुआ है, सभी बहन भाई जो जिन्होंने सुना वो सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही शुरू से ही धार्मिक प्रभाव से आई थी, उसी तरह धार्मिक प्रभाव आगे मिला, इसलिए अपने धार्मिक कार्य को ऐसे ही बढ़ाती रही। मैं शिव कुमार जी का सोच रहा हूँ कि वो बेचारे बच्चों को कैसे संभालेंगे, बेटी शीनू, बेटा सुगम, बेटा आशु, जो भी उसने कोई भी कार्य अपना पूरा नहीं कर पाई, वो 44 वर्ष की कृपायु में चलेगी। मेरी शासन गुरु से यही प्रार्थना है कि इस दिन को आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को, शिव कुमार जी को, बच्चों को ये शक्ति दे के ये उसकी कभी पूरी कर सके। है नदीन मुसलमान दुनिया में दादी संपादित दिन सब नाम रहे नुजैती शाम थे श्री संत जगज्जन पद राजा दिप्राव सन्निवेशानम गोष्ठिक और मुख्यानम व्यारे व्यारे शांति श्री श्रमण संघास्य शांतिर्भवतु श्री जनपदानां शांतिर्भवतु श्री राजाधिपालं शांतिर्भवतु।
राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु। श्रीगोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु। श्रीपौर्मुख्यानां शान्तिर्भवतु। श्रीपौर्जनस्य शान्तिर्भवतु। श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु।